पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों, बीजेपी युवा मोर्चों ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश, कैप्टन सरकार के खिलाफ करी जमकर नारेबाजी। पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नशे के खिलाफ और बिजली के रेटों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। वर्करों ने बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिस पर उनकी पुलिस से हाथापाई हो गई। पुलिस ने वर्करों को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछारें भी की, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और लाठी चार्ज भी की गई। पुलिस ने कई युवा साथियों को गिरफ्तार किया है। जी अज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, थोड़े पानी की बुछारा, गैस के गोले और लाठी चार्ज बारे की कहना चाहिए? अज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वालों पंजाब सरकार, खास तौर पर कैप्टन सरकार के खिलाफ जो इतने नशे की तस्करी चल रही है, जो ड्रग्स माफिया काम कर रहे हैं, जो बिजली के रेटों से बढ़ोतरी हो रही है, वो खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। और पूरे पंजाब के युवा मोर्चा के साढ़े साथी चंडीगढ़ पहुँचे हैं। असी बहुत ही शांतिपूर्वक जिहड़ा है प्रदर्शन कर रहे सी, रोस मार्च कर रहे सी, पर रस्ते दे विच पुलिस ने साढ़े ते बड़ा जुलम किया, तशद्दुद किया, नौजवानों के उत्ते लाठियां चार्ज कीतियां, आंसू गैस के गोले छड़े, पानी ने बुछारा मारियां, बहुत ही साढ़े साथी जिहड़े जख्मी हो गए, कई गिरफ़्तार भी किया गया। आज का जो प्रदर्शन है ना, जो ये पंजाब सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, उसको पंजाब का युवा मोर्चा जगाने आया है, अकेला अकेला वादा याद कराने आया है। ऐसी इस लांतिक सरकार को पंजाब में रहने का कभी भी अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। युवा मोर्चा इसका डट के विरोध करता है, करता रहेगा। पंजाब सरकार और कई लोग गिरफ्तार किए हैं, ये तो युवा मोर्चा ने हर बार बलिदान दिया है, सोटियां भी खाई हैं, गिरफ्तारी भी दी है और अपनी शहीदी भी दी है। युवा मोर्चा कभी भी पार्टी के किसी भी काम में पीछे नहीं हटेगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, चाहे उसकी अपनी जान चली जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। फिर क्या हो गया, हम जब घर से निकलते कफन पहन के निकलते हैं, घर आएंगे कि नहीं आए इसका कोई नहीं पता। हमारे कितने युवा मोर्चा के साथी, सीनियर भाजपा लीडरशिप के साथी, कईयों ने अपना बलिदान दिया है। हमारी पार्टी बलिदान से ही शुरू हुई है, श्यामा मुखर्जी, हम सबने उनके बलिदान को देखा है, समझा है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटे हुए हैं। कौन सी डिमांड है अमरिंदर सिंह की? कौन सी डिमांड नहीं है हमारी, उसने गुटखा साहब की कसम पकड़ के बोला था मैं नशा कर दूंगा, कहाँ नशा खत्म किया, एक बार सामने आए उसमें दम है, पुलिस का सहारा लेता है, क्यों लेता है, चोर है, हिजड़ा है, डरता है। एक एक युवा मोर्चा का साथी उससे जवाब नहीं ले पाएगा, इसलिए वो डरता है। मैं गौरव कक्कड़, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा फरीदकोट। अज असी कैप्टन की सुती सरकार जगाउन आए हाँ, क्योंकि कैप्टन साहब ने बठिंडा विखे गुटका साहब हाथ में फड़ के सहु खाधी सी कि मैं चार हफ्त्या नशा खत्म कर दाँगा। नशा तो की खत्म करना, इन्हों की जहरीली दारू ने 130 मौतों के नाल पंजाब के लोगों की जान लै ली। अज कैप्टन की सुती सरकार जगाउन आए सी, पर प्रशासन ने सानू अगे जान नहीं दिता गया, साढ़े उत्ते पानी दियां बछाड़ा अते सानू पत्थर रोकया गया, साढ़े उत्ते जुलम किया गया। साडियां अज युवा मोर्चा के कई साथियों की गिरफ्तारियां हुई, साढ़े उत्ते लाठीचार्ज करके पानी दियां बछाड़ा मारिया गई। एक कैप्टन की सरकार है, हमेशा सच की आवाज़ नूं थले दबाउंदी आई है, जो अज इन्हां ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दबा के रोकया गया। किसानों के मुद्दे साड़ी केंद्रित जो कमेटी है वो जल्दी फैसला करेगी, तो किसानों की खुशखबरी आएगी।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।